आज हम बात करने जा रहे हैं अगेन पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही हमारा टॉपिक है और टॉपिक हमारा है जी स्ट्रेटेजिक अपग्रेड्स इन साउथ एशिया। ये स्ट्रेटेजिक अपग्रेड्स दो तरह के हैं जी, एक मिसाइल डेवलपमेंट और दूसरा इसे यानी कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं और उससे फिर साउथ एशिया का पीस, उसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। ये बड़ा एक छुपा हुआ सा टॉपिक है और स्टूडेंट्स, टीचर्स, एकेडमीज नॉर्मली ओवरलुक कर देती हैं। सीधे सीधे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन दो चार पांच टॉपिक्स करा लिए, वाटर पे, कश्मीर पे, यू नो, और चीजें खत्म कर। सो देखते हैं, ये जो स्ट्रेटेजिक अपग्रेड है ना जी, मिसाइल से डेवलपमेंट्स की भी और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी, ये हमें 21st सेंचुरी में एक बहुत बड़ा डेंजरस साइन साउथ एशिया में नजर आता है जी। बहुत बड़े कैनवस पे रैपिड मॉडर्नाइजेशन हो रही है, कन्वेंशनल भी एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन्स की भी। इंटेंशन तो दोनों स्टेट्स की, जब वो किसी किस्म का मिसाइल डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डेवलपमेंट करते हैं तो इंटेंशन तो यही है कि एक सिक्योरिटाइज्ड इन्वायरमेंट बनानी अपने लिए। लेकिन इस कंपटीशन ने ओवरऑल रीजनल स्टेबिलिटी, उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज दरकार हो गया। भाई चल भी तो सकते हैं, चला भी तो सकते हैं, तो क्या डेवलपमेंट्स हो रही, सुनो उनको फिर डिटेल में देखना जरूरी है। वेरी लाइकली कि इस तरह का कोई छुपा हुआ सवाल वो करंट अफेयर में दे दे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अगले कुछ ही दिनों में, एक आधे महीने के अंदर अंदर ये सवाल सीएसएस के तमाम जो है वो अकेडमीज और उभरते हुए असातिज़ा इकराम करवाना शुरू कर देंगे। ज़ाहिर आइडिया मेरा होता है, ज़ाहिर आइडिया मेरा मतलब मैंने टॉपिक तो मैंने नहीं क्रिएट किया, इन पे तहरीरें मौजूद हैं, हर टॉपिक पे तहरीरें मौजूद होती हैं, जो भी टॉपिक आप सर्च कर लें। लेकिन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकता है वो मेरा आइडिया होता है, उसको प्रिपेयर करना अपने स्टाइल से। सो जरूरी नहीं है कि कोई लेक्चर को मनोवन कॉपी करे, वो इस वेरी आइडिया ऑफ स्ट्रेटेजिक अपग्रेड से मैं इसको कॉपी कर ले, आगे अपने तरीके से बता दे। ठीक है जी, तो देखते हैं जी, पहले तो देख लेते हैं फिर जो है वो मिसाइल सिस्टम को, इसमें क्या हो रहा है जी। जब से दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट किया ना जी 1998, उसके बाद से तो बहुत बड़ी हमें इम्प्रूवमेंट मिलती है दोनों तरफ मिसाइल डिलीवरी सिस्टम। ठीक है जी, इसमें बहुत अपग्रेडेशन है, पिछले तकरीबन 2.5 डेकेड्स हो गए, दोनों तरफ बहुत सारी वैरायटी ऑफ मिसाइल्स दोनों कंट्रीज ने बना ली, डिफरेंट रेंजेस हैं इन मिसाइल्स की। ठीक है जी, तो उनको फिर जरा देखना, जरा देखते हैं जी क्या।
कैसे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो मिसाइल प्रोग्राम, ये दोनों जी इसके पास एक तो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी और क्रूज मिसाइल्स, ठीक है, और दोनों में शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग रेंज सिस्टम्स दोनों में उसके पास वो एक्वायर कर चुके, ठीक है जी। मगर अगर हम देखेंगे इंडिया की लैंड बेस्ड मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस जिसको कहते हैं, तो इनमें जनाब पृथ्वी वन है, अग्नि वन है, अग्नि टू है, ठीक है जी, ठीक है जी, ये लैंड बेस्ड ना, यानी आप इनको कह सकते हैं। फिर इसमें पृथ्वी टू भी है, पृथ्वी थ्री भी है, ये आप इनको कह सकते हैं कि सरफेस टू सरफेस, जमीन से चलाएंगे और इसी जमीन पे जाकर लगेगी, तो लैंड बेस्ड मिसाइल्स। फिर इसके साथ इनके पास सी टू सरफेस मिसाइल्स भी, समंदर से जमीनी इलाकों पर जो बड़ा मशहूर मिसाइल जिसको ये कहते हैं धनुष, वो भी मौजूद है, सही है। अभी मोस्ट रिसेंटली ये फिर इसमें अग्नि थ्री भी है, अग्नि फोर भी है, अभी मोस्ट रिसेंटली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसका भी टेस्ट इंडिया कर चुका है, जिसको कहते हैं अग्नि फाइव, ठीक है जी। 8,000, 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। इन एडिशन टू दिस, इंडियन मिसाइल सिस्टम में एक बड़ी यूनिक एडिशन है, जिसको कहते हैं के सीरीज मिसाइल्स। ये जो के सीरीज मिसाइल्स है, ये K4 से लेके K15 तक मिसाइल, ठीक है, इसको K15 को सगारिका का नाम भी दिया जाता है। ये जो K सीरीज मिसाइल, इनका यूजेज आप करते हैं जी फ्रॉम सबमरीन्स, आप दोनों के जरिए आप इनका यूज करते हैं, उनके जरिए आप इनको लॉन्च करते हैं, आप दोस्त से लॉन्च करते हैं, ये हवा में जाता और अपने टारगेट में गिर जाता, ठीक है जी। और ये फुली इंस्टॉल है इंडियन नेवल शिप अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है जी। इसमें खास तौर पे जो K5 मिसाइल है जो अरिहंत में इंस्टॉल्ड है, ये 5,000 से 6,000 किलोमीटर तक जा सकते हैं जी, रेंज है इनकी। इन एडिशन टू दिस, अगर हम क्रूज मिसाइल्स में आ जाए तो इसमें ब्रह्मोस बड़ा मशहूर इनका सुपरसोनिक मिसाइल है जी, ये इंडिया और रशिया की जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस, ये 500 किलोमीटर तक की रेंज इसकी है जी, ठीक है जी, सरफेस टू सरफेस। फिर ये सरफेस टू सरफेस है, फिर अगर एयर टू एयर में आ जाए तो इसमें इंडियंस के पास अस्त्रा, ये इन्होंने खुद लोकली बनाया जी, कोई किसी किस्म की दुनिया से कोई असिस्टेंस नहीं ली, ठीक है जी, बड़ा मजा है। फिर एक लॉन्ग
लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जिसको इनाम देते हैं निर्भय, ये भी इन्होंने लोकल विदाउट एनी असिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड इन्होंने बनाए। इनके पास बड़े क्रूज मिसाइल्स एज वेल एज बैलिस्टिक मिसाइल्स ये इंडिया के पास मौजूद हैं, और ये सारे तजर्बात हुए हैं जो 1998 के बाद हुए। ये सब मिसाइल्स कैपेसिटी रखते हैं न्यूक्लियर न्यूक्स को कैरी करने की। दूसरी तरफ पाकिस्तान को देख लेंगे, डाटा वाइज है टॉपिक, लेकिन अगर पूछ गया वो तो बड़े बड़े जो है ना वो तुरम खान जो है हवा निकल जाएगी, हवाओं में तो नहीं करते उसको। आपको डाटा से प्रूव करना ठीक है, एक दो मिसाइलों के नाम आप याद नहीं भी रहते आपको, लेकिन करना तो पड़ेगा। ठीक है जी, पाकिस्तान के केस में आ जाए तो पाकिस्तान के पास तीन ऑपरेशनल न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जी। ठीक है जी, पहले तो इनको देख लेते हैं कि ये कौन सी। ये जो मिसाइल है जिसमें एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जी, जिसको आप कहते हैं गजनवी शॉर्ट रेंज मिसाइल। दूसरा है जी आपके पास शॉर्ट रेंज में शाहीन वन, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल। फिर आपके पास मीडियम रेंज मिसाइल है जिसको आप कहते हैं गौरी। इन एडिशन टू दिस थ्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल मतलब ये तैयार है जी आपके, इनकी इनको असेंबल करना है या टाइमली, ये आपके रेडी टू यूज 24/7 ऑपरेशनल न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स। इन एडिशन टू दिस चार और आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं है, यानी आप इन जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप इनको फिर यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, सैंपल कर सकते हैं, उसके बाद लॉन्च कर सकते हैं। आसान जुबान में रेडी टू यूज, ये रेडी टू यूज है हर वक्त मौजूद, हर वक्त। इनके अलावा आपके पास जो अदर फोर न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनमें आपके पास शॉर्ट रेंज का मिसाइल है अब्दाली, नसर, शाहीन थ्री। ठीक है जी, क्लियर जी। मीडियम रेंज आपके पास है शाहीन टू, ये मीडियम रेंज में। ठीक है जी, ये आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो है वो कैपेसिटी। मीडियम रेंज का आपका मिसाइल ये तकरीबन 2700 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। अब ये तो हो गया बैलिस्टिक की, क्रूज में क्या है जी आपके पास क्रूज मिसाइल्स। एज फार एज क्रूज मिसाइल्स आर कंसर्न तो हमारे पास जो है वो दो तरह के मिसाइल्स हैं जो, अच्छा ये सारे सरफेस टू सरफेस ही हैं जी, इधर भी सारे सरफेस टू सरफेस हैं। सरफेस टू सरफेस में क्रूज मिसाइल में आ जाए तो एक आपके पास बाबर है जी क्रूज मिसाइल, दूसरा आपके पास राद RAAD राद, ये दो आपके पास जो है वो क्रूज मिसाइल। एक तीसरा क्रूज मिसाइल
जो सबमरीन से आप फायर कर सकते हैं, उसकी आपने जो है वो इसको टेस्ट कर चुके हैं। मोस्ट रिसेंटली आपने इसको टेस्ट किया, इसको कहते हैं बाबर 3। सही, ये सबमरीन बेस्ड क्रूज मिसाइल है, रेंज इसकी 450 किलोमीटर तक की है। ठीक है जी, इन एडिशन टू दिस जो कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की व्हेन इट कम्स टू मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम, मोस्ट रिसेंटली उसको जो है तजर्बा किया गया, ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन ये अलहदा से क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूँ आपको। अबाबील कहते हैं जी इसको, ये 2200 किलोमीटर तक का इसका रेंज है जी। ठीक है जी, इसकी खूबसूरती क्या है, इसकी खूबसूरती है कि ये MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल MIRV MIRV टेक्नोलॉजी, इस पर आसान जुबान में मतलब टक 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 मल्टीपल लॉन्चेस बस चलते जाएंगे। ये MIRV टेक्नोलॉजी इंडियंस के पास नहीं, US के पास है, चाइना के पास है, फ्रांस के पास है, रशिया के पास है, ना ये नॉर्थ कोरिया के पास है, ना ईरान के पास है, ना UK के पास है, बड़े कंट्रीज जो वेपनरी के कॉन्टेक्स्ट में जिनको देखा जाता है। ये अबाबीन ये एक बहुत बड़ा हमें जो एक स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये हमने एक्वायर की, ये हमें सिर्फ इंडियन जो मिसाइल डेवलपमेंट है उस पर थोड़ा सा हमें जो है वो एडवांटेज देते हैं। लेकिन इसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि भाई इंडिया ने रशिया की असिस्टेंस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बाय किया। अभी हमने ज़ाहिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे जाना है, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिफोर या प्रायर टू अबाबीन आपकी तमाम मिसाइल जो उसको मैनेज करने के लिए काफी। लेकिन पाकिस्तान ने जब इस MIRV टेक्नोलॉजी पर अबाबीन बनाया तो अबाबीन S-400 को भी डिफीट करने की 100% तो नहीं लेकिन स्लाइड पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान S-400 डिफेंस जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको स्लाइट पॉसिबिलिटी है लेकिन कर सकता है, क्योंकि इतनी ढेर सारी तादाद में जब मिसाइल्स लॉन्च किए जाएंगे तो S-400 सबको टैकल नहीं कर सकता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इंडियन ने एक्वायर कर लिया, ठीक है जी। अब सवाल ही पैदा होता है कि इतनी बड़ी और ये बहुत बड़ी शिद्दत के साथ है जी, जो कि 25 सालों में आपने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स में इतनी पेस, अब इनके नंबर क्या है वो तो अननोन है ना जी, कितने नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं वो तो अननोन है बात, लेकिन बात तो यहां पर इनके स्किल्स की हो रही है। तो अगर स्किल्स की बात हो रही तो भाई बात यह है कि ये तो कोल्ड वॉर में भी एक इशू रहा है कि भाई अगर एक्सीडेंटल डेटोनेशन हो जाए, ठीक है, या किसी भी तरह की अनऑथोराइज्ड
लॉन्चिंग हो जाए तो ये तो एक बहुत बड़ी वॉर, क्योंकि फिर एक तरफ से मिसाइल अगर चल पड़ा तो दूसरी तरफ से भी चलने शुरू हो जाएंगे, ये तो फिर रीजन ही खत्म हो जाए। ठीक है जी, दोनों कंट्रीज बोथ स्टेट्स वो ये क्लेम करते कि हमारे जो मिसाइल सिस्टम है ना जी, खास तौर पे हमारा SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये जनाब हमारे बिल्कुल सिक्योर है, एक हमारा बहुत ही असर्टिव कंट्रोल है इन पर, तो किसी तरह की कोई एक्सीडेंटल जो है ना वो यूज नहीं हो सकता। ठीक है जी, लो जी, लेकिन हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई तो उसको क्या इनको कंट्रोल करने के लिए इनके पास कोई मैकेनिज्म्स मौजूद है, तो बिल्कुल मौजूद है। अभी रीसेंट पास्ट में 2021 में एक्सीडेंटली इसी तरह एक इंडियन मिसाइल वो पाकिस्तानी टेरिटरी में आके गिर भी गया था, तो वो उसको बड़ा दोनों स्टेट्स ने इसको रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, वरना तो एक बड़ी वॉर की तरफ आप जा सकते थे। सही है, अब ऐसा है कि मोस्ट रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में अब इंडिया अनाउंस कर चुका है, इंडिया हैज अनाउंस्ड कि हम भी मर्व टेक्नोलॉजी हासिल करें। ठीक है जी, इंडियंस मर्व टेक्नोलॉजी क्यों लेना चाहते हैं, आपको ये कॉन्टेक्स्ट इसीलिए पहले बता दिया, ये वाला बाबीर वाला S-400 के मुकाबले, सो इंडियंस भी कोशिश करें कि जनाब हम मर्व टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। अब जैसे ही इंडियन मर्व टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान को भी फिर अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली। सो ये तो एक नेवर एंडिंग सागा है। सो जब आपने मिसाइल सिस्टम को, मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम या मिसाइल सिस्टम को देखना, तो फिर आपको दूसरी तरफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप फिर मिसाइल बना रहे हैं, आपका ओपोनेंट भी मिसाइल बना रहा है, आपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तो लेके आना ना। ठीक है, वो जरूरी है। सो हम देखते हैं कि इनिशियल स्टेज में, तो पहले हम इंडिया को देखें, इनिशियल स्टेज में इंडिया ने इसराइल, फ्रांस एंड रशिया तीनों कंट्रीज के साथ इंटरसेप्टर गाइडेंस की टेक्नोलॉजी, कि मिसाइल कोई आ रहा है तो उसको इंटरसेप्ट करना है, तो इंटरसेप्टर गाइडेंस टेक्नोलॉजी वो इन तीनों कंट्रीज से हासिल की इनिशियल स्टेज में। ठीक है जी, पहली स्टेज में ये फर्स्ट फेज है जो इंडियंस ने हासिल की, ये बहुत पुरानी बात है, 2006 की बात है। 2007 में इंडियंस ने फिर एडवांस्ड एयर डिफेंस AAD मिसाइल सिस्टम इसका टेस्ट किया। ठीक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं, ये 30 किलोमीटर तक की रेंज में
इंटरसेप्ट करने की कैपेसिटी बस रखता था एट दैट टाइम, ठीक है। इसके बाद बहुत बड़ी छलांग 2017 में लगी। 2017 में लोकली अपनी मदद आपके तहत, ये तो पहले इनसे इंटरसेप्टर गाइडेंस गाइडेंस ली और फिर ये टेस्ट किया। 2017 में इन्होंने पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पीडीवी, इसको जनाब इन्होंने टेस्ट किया और इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई उसको कहते हैं इमेजिंग इंफ्रारेड IIR, ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, ठीक है जी। ये बड़ा काम इन्होंने किया 2017 में। फिर इंडियंस ने तीन बड़ी डेवलपमेंट्स की थी, बल्कि चार बड़ी डेवलपमेंट्स। उनके नाम ही लिख लें तो काफी है, ठीक है जी। एक तो है जी वेरी, वी फॉर वेरी शॉर्ट रेंज, ये टी है। एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है जी, ये डेवलप किया 2017 में इंडिया ने। मैन, पूरा एक मैन एक ही वर्ड है, पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, पोर्टेबल मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ये एक्वायर किया 2017 में। यानी मिसाइल्स जो हमारी तरफ आएंगे उनको हमने रोकना है ना, पाकिस्तान मिसाइल्स ही मिसाइल बनाता जा रहा है, तो उसके जवाब में इंडियंस ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे कंट्रोल करना, ठीक है जी। तीसरी चीज जो इंडियंस ने 2017 में बनाई उसको कहते हैं RCS, रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये एवियोनिक्स, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स की टेक्नोलॉजी पर, ठीक है जी। लेकिन ये सारे जो तीनों हैं इनकी टोटल रेंज के किसी मिसाइल को ये डिटेक्ट कर ले वो 6 किलोमीटर, ठीक है जी। तो इंडियंस को ये फियर तो हमेशा ही रहा कि पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम बेहतर हमारे से, तो हमें अपना फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेहतर कर। तो 2018 में फिर इन्होंने S-400 की डील की, ठीक है जी। ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, और ये फरवरी 2023 में इन्होंने इंस्टॉल्ड भी कर दिया है इंडियन पंजाब में टूवर्ड्स पाकिस्तान, ठीक है जी। रैशनैल क्या है इसके पीछे? रैशनैल ये है, नो फर्स्ट यूज, हमने तो फर्स्ट यूज नहीं करना, लेकिन पाकिस्तान के फर्स्ट यूज उसको कंट्रोल भी करना, उसको रोकना भी, क्योंकि अगर हम ना रोक पाए और पाकिस्तान ने किसी भी सिनेरियो में कोई अटैक कर दिया तो हमें फिर उसको रिटेलिएट करना पड़ेगा, रिटेलिएट करेंगे तो फिर वॉर होगी, तो हमने वॉर को रोकना, उसके लिए हमें अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है जी। दूसरी तरफ जब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं ना जी, तो पाकिस्तान के केस में
रिपोर्टेडली किसी भी किस्म का एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारे पास नहीं है। हम मिसाइल डेवलपमेंट में ही फोकस कर रहे हैं, उसी में हमने मर्व टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, ये वो इशू है। यानी पाकिस्तान का ये जो पॉस्चर है ये वाजह तौर पर साबित करता है कि हमें अपने डिफेंस की जरूरत ही नहीं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत ही नहीं। इन द केस ऑफ इफ पाकिस्तान एवर फेल्ट कि हम कॉर्नर्ड होगी तो हमने तो मिसाइल चला देने न्यूक्लियर न्यूक्स के साथ, तो हमें जरूरत ही होगी कि हम अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम इफेक्टिव करें, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हम अपना इफेक्टिव करें। उस पर रिपोर्टेडली ऑफिशियली कोई जो है वो आपको ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नजर नहीं आती। हाँ, छोटा मोटा आपको एयर डिफेंस सिस्टम जितना चल रहे होते हैं वो तो है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स के कॉन्टेक्स्ट में, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के कॉन्टेक्स्ट में, एक आपका एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जहाज आ गया, रडारों ने बता दिया, त्यारा गिरा दिया आपने, वापस चला गया वो त्यारा, तो ये वो तो रडार सिस्टम है जी आपका। ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा आपने क्या किया हुआ, आपने रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज, यानी जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंडियंस क्या कर रहे हैं, इंडियंस की सबमरीन आपके इलाकों में आ गई, आप उसको रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से पकड़ सकते हैं कि वो कहाँ पे है, किस एरिया में है, लेकिन मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं। और ये पॉइंट आके जो है वो पूरे के पूरे साउथ एशिया की स्टेबिलिटी, उसको फिर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कहते हैं कि भाई ये थ्रेट्स हैं जी। इंडिया मिसाइल भी बना रहा, साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी, यानी मिसाइल डेवलपमेंट भी कर रहा है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कर रहा है, इस रैशनल के साथ कि हमने कंट्रोल करना है, जंग नहीं होने देनी। पाकिस्तान के केस में मिसाइल्स ही मिसाइल्स बन रहे हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर ज्यादा काम नहीं हो, जो ये पॉस्चर शो करता है। ठीक है जी, कि हम ऑल आउट एग्रेशन में जाएंगे इन द वेक ऑफ एनी पॉसिबल वॉर। इसी कॉन्टेक्स्ट में अनमैंड एरियल व्हीकल्स भी पाकिस्तान ने हासिल एक्वायर कर ली, वो पिछले टॉपिक में भी जो है वो इस पे बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे बस ठीक है, इतना काफी है। अनमैंड एरियल व्हीकल्स वो भी इस्तेमाल, वो भी बात, तो ये तमाम ऑल आउट एक तो हम पूरी तरह देखते हैं कि जनाब रीजन में ये जो डाटा है ये खुद बोल रहा है कि रीजन सिक्योर नहीं है जी, रीजन वल्नरेबल है। ये डाटा बोल रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है रीजन के लिए, रीजन की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए। अब उसमें फिर साथ कुछ एडिशनल एलिमेंट्स जैसे यूएस का टिल्ट टूवर्ड्स इंडिया, इंडियन नेवी की अपग्रेडेशन यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, इंडिया के साथ ऊपर नीचे एग्रीमेंट्स, बीका का एग्रीमेंट इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिहाज से, ठीक है जी, लॉजिस्टिक्स के लिहाज से फिर लेमुआ का एग्रीमेंट 2016 का, लॉजिस्टिक एक्सचेंज का भी, ठीक है जी। अब यूएस ये सब कुछ क्यों कर रहा है, यूएस इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान की इंटेंशंस क्लियर है जी, कि हमने तो ऑल आउट अटैक पे जाना है, ऑल आउट अटैक, कोई डिफेंस की जरूरत ही नहीं है। तो अगर किसी भी तरह पाकिस्तान इस ऑप्शन पे जाता है
तो बीका इंटेलिजेंस शेयरिंग, पता लग जाए पाकिस्तान पहले क्या कर रहा है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, उसके नतीजे में जो आपकी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज हैं, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज इंडिया की, उनको बढ़ाना ताकि कोई भी मिसाइल लॉन्च हो रहा हो तो ये पहले से रेडी हो, तैयार हो। तो यूएस जो रोल प्ले कर रहा इंडिया के साथ इन एग्रीमेंट्स के जरिए, वो अपनी तरफ से एक स्टेबलाइजर का रोल साउथ एशिया। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से जब पाकिस्तान देखता है तो कहता है यूएस गलत कर रहा, यूएस अपने एंड पे ठीक कर रहा। उसका जो इंटेंशन है कि भाई मैं एक स्टेबलाइजर का रोल प्ले करूं, क्योंकि पाकिस्तान अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे ही फोकस कर रहा है, सॉरी मिसाइल डेवलपमेंट पे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे फोकस नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये तो सर पे कफन बांधा हुआ है। सो इनकी वजह से किधर साउथ एशिया में कोई बड़ी वॉर ना हो जाए जिसका पूरे दुनिया में इंपैक्ट हो, ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान इसको किस परस्पेक्टिव से देखता है कि जी ये यूएस इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, साउथ एशिया में बैलेंस ऑफ पावर बहुत जरूरी है, और ये बैलेंस ऑफ पावर ही है कि हम मिसाइल्स बना रहे हैं, इंडिया मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है ताकि इंडियंस को 24/7 ये थ्रेट रहे और वो किसी भी तरह की साउथ एशिया में अपनी हेजिमनी इस्टेब्लिश करने की कोशिश ना करें। जब यूएस एडवांस टेक्नोलॉजीज दे रहा है कि जिससे वो हमारे मिसाइल सिस्टम के लिए उसको अर्ली वार्निंग उनको मिल जाए और जनाब उसको कैप्चर कर लें, तो ये बैलेंस ऑफ पावर चेंज कर लें। हमारा रीजन है, हमें अपने रीजन की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इसी तरह बनानी है टू कीप इंडियंस गेसिंग, इंडियंस गैस करते रहे। ये याद रखिएगा, मिसाइल डेवलपमेंट कॉस्टली है लेकिन इसकी कॉस्ट व्हेन कंपेयर्स टू मिसाइल डिफेंस सिस्टम और खासतौर पे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसकी कॉस्ट थोड़ी है। तो हम ये तो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हम इसी पैटर्न में इंडियंस को कीप इंडियंस कैसे, और जब यूएस बीच में आता है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। सो पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है साउथ एशियन स्टेबिलिटी का, ये टोटली डिफरेंट है कोल्ड वॉर की स्टेबिलिटी के पैटर्न्स जो यूएस और यूएसएसआर के दरमियान बीइंग न्यूक्लियर पावर। इंडिया का जो पैटर्न है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का, वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे, मिसाइल भी बनाओ और साथ डिफेंस सिस्टम पर भी काम करो। सो ये एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा तो नहीं है, ये डाटा के साथ आप चलाएं और इन एनालिसिस के साथ तो ये काफी बन जाता है। ये फिर एस्पेक्ट्स पाकिस्तान को कंपेल करते हैं कि चाइना के साथ उसकी असिस्टेंस के साथ मोर मिसाइल डेवलपमेंट्स की तरफ जाएं। हमने डिफेंस सिस्टम की तरफ ज्यादा जाना ही नहीं है, हमने मिसाइल डेवलपमेंट की तरफ ही जाना है, ठीक है जी। तो ये बड़े मजेदार फिर अंदर एक अंदर जो एक और सरफेस का जो करंट अफेयर की कहानी है, जो है वो यूएस किस इंटेंशन के साथ साउथ एशिया में उतरता है, इंडियंस के क्या कंसर्न्स हैं और पाकिस्तान की क्या अप्रोच है, पाकिस्तान की अप्रोच कि साउथ एशिया को कैसे इस्तेहकाम में रखना, इंडिया के कंसर्न्स और यूएस का रोल एज अ स्टेबलाइजर। तो किसी भी तरह चाइना कोई स्ट्रेटेजिक थ्रेट नहीं है इंडिया के लिए या इंडिया चाइना के लिए, उनके दरमियान तो अपना ही इकोनॉमिक डेटरेंस चल रहा है, वहां तो ये कोई इशू को नहीं। साउथ एशियन रीजन की पॉलिटिक्स खास तौर पर मिसाइल डेवलपमेंट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, इसमें चाइनीज एलिमेंट का कोई उस वक्त रोल बने जब चाइना पाकिस्तान को मिसाइल डिफेंस सिस्टम देना शुरू कर दे,
तब वो रोल आएगा। अभी तो ऑल आउट उनका रोल उसी मिसाइल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, ठीक है जी। ये कोई उम्मीद है कि आपकी आंखें खुली होंगी इस टॉपिक के साथ। ये बड़ा यूनिक जो है वो हटके टॉपिक है, आज भी पॉसिबल पूछ ले, पाकिस्तान अफेयर में भी पूछ सकता है, करंट अफेयर में भी पूछ सकता है, दोनों पेपर्स में काम आ सकता है ये टॉपिक। थैंक यू जी।